नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। फाइल नंबर इन अ कन्वेंशनल फाइल नंबरिंग सिस्टम कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कन्वेंशनल फाइल नंबरिंग सिस्टम में जो फाइल नंबर है उसमें निम्न में से कौन सी जो इन्फॉर्मेशन होती है? इसका राइट आंसर है सब्जेक्ट कोड जे नहीं होता, सीरियल नंबर ऑफ द फाइल ओपन जे जानकारी हमें मिल जाएगी, ईयर इन विच द फाइल इज ओपन जे भी होगा और सब हेड कोड भी होगा। इसका राइट आंसर है 234C। A government servant has 250 days on leave and 100 days half pay leave at his credit on the day of his retirement from the service. Service से retirement होने पर एक employee के पास 250 on leave हैं और 100 half pay leave है। He shall be eligible for encashment of leave equivalent of, वो जो रिटायर्ड एम्प्लाई है वो कितनी लीव की इनकैशमेंट प्राप्त कर सकता है? एज पर CSR रूल ओनली मैक्सिमम 300 लीव्स की हम इनकैशमेंट ले सकते हैं। और जहां पर देखते हैं कौन सा राइट आंसर है, 250 डेज ऑन लीव प्लस 50 डे हाफ पे लीव्स, हम इन दोनों का प्लस करते हैं तो 300 आता है, जे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बी ऑप्शन भी देखते हैं, 250 डेज ऑन लीव प्लस 50 डेज कंप्यूटर लीव। कंप्यूटर लीव मींस मेडिकल लीव। मेडिकल लीव की हमें कोई भी इनकैशमेंट नहीं मिलती, लीव इनकैशमेंट नहीं मिलती, जे भी रॉन्ग आंसर होगा। सी में देखते हैं 250 ऑन लीव 100 हाफ पे लीव, जे दोनों का प्लस करेंगे तो 350 बन जाएगा। मैक्सिमम हमें 300 जो लीव है, चाहे अर्नड लीव है, हाफ पे लीव है, इसका हमें जो लीव इनकैशमेंट मिलती है, और डी है इसमें 250 है, एम्प्लॉय के पास 350 जो है लीव इनकैशमेंट के लिए है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के संदर्भ में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमने बताना है। पहली स्टेटमेंट है, कैजुअल लीव इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव। बिल्कुल सही है, जो कैजुअल लीव होती है वो किसी भी प्रकार उसे रिकॉग्नाइज लीव में कंसीडर नहीं किया जाता। सेकंड है, एन ऑफिशियल ऑन कैजुअल लीव, एक कर्मचारी जो कैजुअल लीव पर है, इज नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, उसे ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम, कहते कैजुअल लीव को ज्वाइनिंग टाइम के साथ जोड़ा जा सकता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ज्वाइनिंग टाइम के साथ अर्नड लीव को जोड़ा जा सकता है, कम्यूटर लीव को जोड़ा जा सकता है, कैजुअल लीव को नहीं जोड़ा जाता। और कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद अर्नड लीव, कैजुअल लीव को कमाई छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है, और इसका राइट आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। एट विच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड एवरी स्टूडेंट टू टेक अ फन कोर्स और 10 डे बैगलेस। निम्न में से कौन से स्तर पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिफारिश करती है कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास बैग फ्री पीरियड होगा या फन कोर्स होगा? जे स्टेज है मिडल स्टेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज, निम्न में से कौन सी एजेंसी है, इज टू बी सेट अप, जिसकी स्थापना की गई है टू कैटालाइज, प्रेरित करने के लिए एंड एक्सपेंड रिसर्च, और रिसर्च को एक्सपेंड करने के लिए, इनोवेशन को एक्सपेंड करने के लिए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। इसका जो राइट आंसर है वो है
सी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द पर्क. निम्न में से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो पर्क के उद्देश्य को बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है एज इन्वाइज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसकी कल्पना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई है. इसका जो राइट आंसर है वो है बी. इट इज प्रपोज टू सेट अप एज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर. इसमें जो प्रस्ताव दिया गया है वो एक सेटअप करने का दिया गया है, स्थापना करने का नेशनल असेसमेंट सेंटर का फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग एंड गाइडलाइंस, जो कि स्टैंडर्ड साइटिंग और गाइडलाइंस जारी करेगा फॉर असेसमेंट, मूल्यांकन के लिए ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए जो गाइडलाइंस जारी करेगा. ऐसी एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना का जो प्रस्ताव दिया गया है. जो ए ऑप्शन है इसमें एवेल्युएशन ऑफ टीचर कहा गया है, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है. हाउ मैनी टारगेट्स आर अडोप्टेड इन सस्टेनेबल गोल फॉर डेट आर सेंटर्ड डेवलपमेंट ऑन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. कितने टारगेट हैं अडोप्ट किए गए हैं सस्टेनेबल गोल फॉर के में, जो इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस करेगा, सेंटर्ड करेगा. इसका राइट आंसर है बी, 10 टारगेट इन 5 ग्रुप्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 एम टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन इन इंडिया टू ऑल बाय. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है पूरे विश्व में 17 जो गोल हैं वो फिक्स किए गए हैं और इनको जो अचीवमेंट का टाइम पीरियड है वो है 2030 में जिस 17 गोल अचीव करने हैं. उनमें से एक गोल है इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, भारत के सभी लोगों को बराबर और समावेश शिक्षा का जो कब तक वो प्रोवाइड हो पाएगी. इसका राइट आंसर है बी, 2030 में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर मैनेजिंग द कोर्स कंटेंट बीइंग ऑफर्ड थ्रू द स्वाइम पोर्टल फॉर इंजीनियरिंग सेक्टर कोर्सेज. निम्न में कौन सी एजेंसी है जो नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर कार्य करेगी, जो मैनेज करेगी कोर्स कंटेंट को जो प्रोवाइड कराया जाएगा स्वयं पोर्टल पर इंजीनियरिंग सेक्टर कोर्सेज के लिए. इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग. जो स्वयं पोर्टल है वहाँ पर कंटेंट दिया जाता है और इंजीनियरिंग सेक्टर कोर्स के लिए जो कंटेंट दिया जाएगा उस कंटेंट को जो मैनेज करने वाली एजेंसी इनमें से कौन है, वो है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दी रिकमेंड्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑफ 6% ऑफ GDP इन एजुकेशन सेक्टर ऑफ द कंट्री. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो रिकमेंड करती है GDP का 6% इन्वेस्ट करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में. दिस एलोकेशन ऑफ फंड्स इज प्रपोज टू कम फ्रॉम. जे फंड कहाँ से प्रस्तावित की आएगा, इसकी तजवीज़ क्या है. इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो 6% है GDP का वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल एजुकेशन रिकमेंडेशन पॉलिसी 2020. निम्न में से कौन सा जो गाइडिंग नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है जो नेशनल एजुकेशन रिकमेंडेशन पॉलिसी के तहत. इसका जो राइट आंसर है नहीं है, उन्होंने पूछा है. इसका राइट आंसर है ए, ए एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी इनिशिएटिव इन अ फेज्ड मैनर. जे है
फेज्ड मैनर में बात की गई है नेशनल एजुकेशन रिकमेंडेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए। कम्प्रीहेंसिव इन इम्प्लीमेंटेशन ये भी कहा गया है कि व्यापक रूप पर जे लागू की जाएगी पॉलिसी। टाइमली इन्फ्यूज्ड ऑफ दी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एट दी सेंटर एंड स्टेट लेवल, ये भी बात कही गई है जो सोर्सेज हैं वो गए फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे वो भी सेंट्रल और स्टेट लेवल पर अरेंज किए जाएंगे। इवॉल्विंग आ सेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर एट दी नेशनल लेवल, वो जो इसका स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा नेशनल लेवल पर, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एजुकेशन है वो एजुकेशन स्टेट और राज्य सरकार दोनों के जो विषय में आता है, और जहां पर नेशनल लेवल पर इसके स्ट्रक्चर की बात कही गई है इसका जो राइट आंसर है वो डी। द नेशनल एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स ट्रेनिंग ऑफ करंट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड टीचर्स बाय द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज सपोज्ड टू डेवलप द करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर द पर्पस। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो रिकमेंड करती है ट्रेनिंग की आंगनवाड़ी वर्करों की, टीचर्स की, वर्कर और टीचर जो आंगनवाड़ी में हैं उनकी ट्रेनिंग की रिकमेंड करती है बाय द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के द्वारा ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधीन है। इनमें से कौन सी एजेंसी है जो फ्रेमवर्क इस पर्पज़ के लिए डिवेल्प करेगी, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। एक बात हमेशा याद रखनी है जो टीचरों की जो ट्रेनिंग है वो NCERT द्वारा कंडक्ट की जाती है। जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो क्लस्टर हैं उसके अधीन आ जाएगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जिसे हम ECCE कहते हैं, करिकुलम विल बी कैरिड आउट जॉइंटली बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो प्लानिंग है और अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की जो प्लानिंग है और उसे लागू करने की जो बात है वो ज्वाइंटली रूप से किस मंत्रालय के द्वारा की जाएगी, इसका जो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जे डिपार्टमेंट भी है, वुमेन एंड चाइल्डहुड डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जे इसमें नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जे इसमें नहीं आता, बी और सी रॉन्ग है, इसका राइट आंसर है सी। इन दी 5+3+3+4 पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एजुकेशन प्रोवाइडेड फॉर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है वो है 5+3+3+4। इन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रोवाइड किया गया दी फर्स्ट 5 ईयर कंसिस्ट ऑफ, जो पहले 5 ईयर हैं उसमें क्या शामिल होगा, जो फर्स्ट 5 ईयर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है 3+2। 3 जो है वो 3 जो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल है उसमें 3 वर्ष बच्चा लगाएगा और 2 वर्ष में फर्स्ट और सेकंड क्लास करेगा, और उसके बाद जो 3 है, जो 5 है उसमें मैंने बता दिया 5 है, इसमें 3 वर्ष आंगनवाड़ी में और 2 वर्ष स्कूल में लगाएगा जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड पास आउट करेगा। नेक्स्ट जो 3 है उसमें 4th, 5th और 6th थर्ड क्लास, 3rd, 4th एंड 5th क्लास है जो पास आउट होगी। नेक्स्ट जो 3 है उसमें 6th, 7th और 8th क्लास पास आउट होगी। नेक्स्ट जो 4 है उसमें 9th से 12th जो स्टैंडर्ड है वो आती है, और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फाइव
फाउंडेशनल स्टेज इन टू पार्ट्स, जो फाउंडेशनल स्टेज है वो उसके दो पार्ट होंगे, 3 ईयर इन आंगनवाड़ी और प्री स्कूल, जो 3 वर्ष बच्चे के आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में होंगे, प्लस जो 2 ईयर है प्राइमरी स्कूल में होगा, जिसमें वो ग्रेड 1 और 2 की कक्षा पास आउट करेगा। दी कवरेज ऑफ द स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA टू बी सेट अप बाय द स्टेट ड्यूटीज, स्टेट और ड्यूटी के द्वारा SSA की स्थापना की गई है एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा रिकमेंड की गई है, फॉर द पर्पज ऑफ द एस्टेब्लिशिंग अ मिनिमल सेट ऑफ द स्टैंडर्ड विल इंक्लूड, किस उद्देश्य के लिए की गई है, जिसमें क्या क्या मिनिमल स्टैंडर्ड होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल, सभी स्टेजेस के स्कूल होंगे, नर्सरी से लेकर प्लस टू तक सभी स्टेजेस के स्कूल होंगे, इंक्लूडिंग इसमें प्री स्कूल भी होगा, एजुकेशन फॉर ऑल स्कूल पब्लिक, सभी पब्लिक प्राइवेट और फिलैंथ्रोपिक स्कूल होंगे, सभी प्रकार के स्कूल इसमें शामिल होंगे और प्री नर्सरी से लेकर प्लस टू तक सभी जो स्टैंडर्ड इसमें इंक्लूड होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग डेजिग्नेट्स आ स्कूल सेफ्टी फोकल पॉइंट टीचर, निम्न में से कौन है जिसे FPT डेजिग्नेट किया जाता है और उसका कार्य है, वो है स्कूल के जो रूटीन के जो काम है उसकी सुरक्षा के लिए सभी कार्रवाइयों का संचालन करना, वो कौन करेगा, वो काम करेगा प्रिंसिपल और हेडमास्टर ओनली, FPT का जो कार्य है वो करेगा प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर ओनली। स्कूल सेफ्टी पॉलिसी 2016 कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ पॉसिबल हैजर्ड इन अ स्कूल, 2016 की जो स्कूल सेफ्टी पॉलिसी है उनमें से निम्न में से कौन से संभावित खतरों को माना जाता है। इसका जो राइट आंसर हम देखते हैं, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन एंड पुअरली मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि उसारी है उसमें कुछ नुक्स है और फॉल्ट है उसमें, और पुअरली मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा माड़ा है, ये भी एक खतरे की घंटी है, ये राइट आंसर है। लूजली प्लेस्ड हैवी ऑब्जेक्ट सच एज अलमीरा जैसी जो भारी वस्तुएं हैं, यदि वह सही ढंग से ना प्लेस की गई हो, ये भी खतरे की घंटी है। अनइवन फ्लोरिंग, ऊंचा नीमा जो फर्श लगा हुआ है, ये भी खतरे की घंटी है। और इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी, यदि सफाई सहूलतें अच्छी ना हो, ये भी एक खतरे की घंटी है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, D। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और ओमिशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज मिसकंडक्ट इनवाइटिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, निम्न में से कौन सा है जिसे हम मिसकंडक्ट नहीं कह सकते, जिसके तहत हम डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते। इसका जो आंसर है, हैबिचुअल लेट अटेंडेंस इन ऑफिस, ऑफिस में आदत बन गई है, हर रोज लेट आ रहा है, इसके अगेंस्ट भी हम डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। उन्होंने पूछा है नॉट, नहीं है, जे है, जे तो इस डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। नेग्लेक्ट ऑफ अ वर्क और ड्यूटी, और जहां भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। पिकिंग अप अ क्वेरल विद द नेबर, अपने जो नेबर के साथ लड़ाई हो चुकी है, इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता। सी इसका राइट आंसर होगा, कन्विक्शन बाय अ क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट के द्वारा आपको दोषी ठहराया गया है, इसके जहां पर भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लिया जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइल सीकिंग एडमिशन इन अ स्कूल, निम्न जो स्टेटमेंट है उन्हें हमें विचारना है, जब एक स्कूल में एडमिशन के लिए एक बच्चा चाहता है, मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ कौन से डॉक्यूमेंट है वो उसे सबमिट करने पड़ते हैं। ये तो हमारा रोज का कार्य है, हम बच्चों की एडमिशन करते हैं, हमें डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए उसका, इन केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर, यदि वह किसी और स्कूल से ट्रांसफर कराया तो SLC भी हमें चाहिए पिछले स्कूल का, रेजिडेंस प्रूफ भी चाहिए, कॉपी ऑफ पैन कार्ड इशूड बाय द इनकम टैक्स टू हिज पेरेंट्स, ये हमें नहीं चाहिए, हम कभी भी पैन कार्ड की कॉपी नहीं मांगते। और इसका जो राइट आंसर है, नॉट करेक्ट,
निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट हमें नहीं चाहिए, उसका आंसर होगा राइट डी 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वर्किंग वुमेन इंक्लूड, जो एक काम कर रही जो महिला है उसका जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उसमें क्या शामिल नहीं होता, क्योंकि हमने नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फिजिकल कंटैक्ट और एडवांस, सॉरी जहाँ पर जे नहीं आएगा, फिजिकल कंटैक्ट ही आएगा। फिजिकल कंटैक्ट किया है किसी ने तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट होगा। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, किसी ने सेक्सुअली रिमार्क्स किए हैं, ये भी आएगा। गोइंग आउट टू सी मूवीज आफ्टर ऑफिस आवर, ऑफिस के समय के बाद स्कूल मूवी देखने के जाना, जे सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता। शोइंग पोर्नोग्राफी, जे भी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। उन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट। जब भी जो पीपीएससी का जो भी पेपर पैटर्न होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में कर लेता है कि वो नॉट करेक्ट डाल देता है और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम, और इसे हम ध्यान से देखते नहीं और गलत ऑप्शन को चूज कर आ जाते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन क्लेम, यदि हम लीव ट्रैवल एलटीसी लेना क्लेम करना चाहते हैं, इन केस नो एडवांस हैज बीन ड्रॉन, उस केस में जब हमने एडवांस नहीं लिया। दो कंडीशन होते हैं, एक तो है भी हम जब भी किसी ऑफिस की टूर पर जाते हैं तो हमें पहले एडवांस मिल जाता है, ठीक है। दूसरा केस है कि हमने टूर अटेंड कर लिया उसके बाद हमने बिल सबमिट करने हैं एलटीसी के लिए। स्टैंड्स फॉरफिट इफ द क्लेम इज नॉट सबमिटेड विद इन, तो वह पेशगी नहीं होगी, ठीक है। वो जो एलटीसी का जो क्लेम है वो जब्त हो जाएगा यदि हमने वो बिल सबमिट नहीं किए, कितनी डेट में सबमिट नहीं किए। इसके दो केस होते हैं, यदि तो हमने एडवांस लिया है, ठीक है, पहले एडवांस लेकर फिर हम यात्रा ऑफिस की यात्रा पर जा रहे हैं, ऑफिस के कार्य के लिए जा रहे हैं, तो एक मंथ के भीतर भीतर हमें वो फाइल सबमिट करनी होती है। पर इस केस में क्या है, हमने एडवांस नहीं लिया है तो हमारे पास 3 मंथ का समय होता है। सबसे पहले जो कल आपका जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए सबको बेस्ट विशेस। मेरा मानना है जो कल का एग्जाम होगा वो किसी को पूरी तरह से नहीं आता होगा, क्योंकि जो सभी जो क्वेश्चन है फर्स्ट 100 वो ऐसे नहीं होंगे कि आप देखेंगे और टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पर मूव होंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो बड़े टिपिकल होंगे, उसको रीड बिटवीन की लाइन, आपको सभी क्वेश्चन की जो अर्थों को समझना होगा, धीरे धीरे पढ़ना होगा, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं। मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि कल जो पेपर कंडक्ट होने जा रहा है पीपीएससी के द्वारा प्रिंसिपल का, उसे देखकर आदेश तो देखकर घबरा जाएंगे और सीधा जो आंसर शीट है उस पर ही अपना जो तुक्का जिसे कहते हैं वो चलाने लगेंगे। ऐसा नहीं करना, सबसे पहले आपने अपनी कंडीशन क्लियर करनी है। कंडीशन के लिए 48 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट होने चाहिए। 48 क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में ठीक करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही पेपर सेट आएगा, तो किसी को वो आता नहीं होगा। रीड बिटवीन की लाइन होगा, आप अर्थों को समझेंगे फिर आंसर देंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा आपको, आपको उसका मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे आशा है कि आप पेपर देखकर घबराएंगे नहीं, क्योंकि सभी के लिए वो ऐसा ही पेपर होने जा रहा है, क्योंकि पीपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो आम दूसरे पेपरों से बहुत हाई फाई रहता है। मुझे लगता है वे इस बार वो यूपीएससी के लेवल को टच करेंगे। जो स्टडी मटेरियल है वो भी अनफैमिलियर है, वो भी ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। और कल के लिए मैं सबको बेस्ट विशेस कहता हूँ। टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, टाइम का ध्यान रखें, घबराना नहीं है। सब लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन हैं उनको एक कुछ बार छोड़कर आगे बढ़ना है, टाइम बचने पर उनको दोबारा पुनः रीड करना है और उनके जवाब देने की कोशिश करनी है। आ सैंक्शन टू एन एडवांस और आ नॉन रिफंडेबल पार्ट विदड्रॉल
from provident fund unless renewed lapse on the expiry of. पहले क्या होता था, जीपीएफ होता था, आज है जो प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड से हम अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा पहले तो एक ऑप्शन होती थी रिफंडेबल, जो हमने पैसा निकाला है वो वापस करेंगे, पर आज सिर्फ एक ही ऑप्शन प्रोवाइड होती है, वो है नॉन रिफंडेबल। आपने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने के लिए, नॉन रिफंडेबल पैसा निकालने के लिए जो एप्लीकेशन दी थी वो सैंक्शन हो चुकी है, किंतु आपने वो 3 मंथ का समय वो गुजर चुका है और आपने वो पैसा नहीं निकाला, ना ही उसे रिन्यू करवाया है, तो वो जो बिल है आपका वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो 3 मंथ है, भी एक्सपायरी हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, कितने 3 मंथ बीतने के बाद वो लैप्स हो जाएगा, आपको दोबारा वो रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर आपको उसकी पेमेंट मिलेगी। The principal of an educational institution issue a written order stating the various reasons for a retaining of his record. एक educational institution का principal है, वो office record को maintain करने के लिए जो लिखित रूप में order जारी करता है, ठीक है। हम भी note करते हैं order book पर, various जो order है वो principal के द्वारा जारी की जाते हैं। ऑर्डर मेंटेन्ड द फॉलोइंग रीजंस, ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर किन किन कारणों से जारी किए जाते हैं वो हमने इनमें से बताना है। टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में कंटिन्यूटी लाने के लिए, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्डर जारी करता है कि तुम्हारी डिसिप्लिन पर ड्यूटी है, तुम्हारी टाइम टेबल पर ड्यूटी है, जो प्रशासनिक कार्य हैं उन पर लगाया जाता है। टू इंश्योर इम्पार्शल ट्रीटमेंट टू ऑल, सभी के साथ निरपक्ष जो ट्रीटमेंट हो, इसके लिए ऑर्डर जारी किया जाता है। जैसे कि एडजस्टमेंट लगाई जाती है, तो सभी की एडजस्टमेंट लगानी है, किसी को नहीं छोड़ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। तो अवॉइड रैंकिंग, रैंकिंग का ऑफिस रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये तो बच्चे, सीनियर बच्चे, छोटे बच्चे के साथ रैंकिंग करते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये थर्ड ये रॉन्ग है। इसके लिए कोई ऑफिसर कोड है, उसके लिए जो ऑर्डर नहीं जारी किए जाते। फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एनी लैप्स, यदि किसी को ड्यूटी दी है, उसने ड्यूटी नहीं निभाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी ऑफिसर कोड मेंटेन करने के लिए जो जो रिटन ऑर्डर जारी किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। थ्री गलत है, थ्री को एलिमिनेट करेंगे तो जे भी एलिमिनेट हो चुका है, जे भी एलिमिनेट हो चुका है, और जे भी एलिमिनेट हो चुका है, राइट आंसर है डी। इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एक को हम यदि समझ लें तो हम सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ टीचर इज हैबिचुअली कमिंग लेट इन द स्कूल, एक टीचर है वो, उसकी आदत पड़ चुकी है, वो लेट आ रहा है। What disciplinary action can be taken against him by the principal? Principal के द्वारा उसके खिलाफ कौन सा action लिया जा सकता है, इसके पर चर्चा करते हैं। The teacher can be dismissed from the school. School से dismiss किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। जो dismiss कर सकते हैं वो appointing authority ही dismiss कर सकती है, जिसने उसे appoint किया है। Principal ने appoint नहीं किया, वो dismiss नहीं कर सकता। The pay of the teacher can be deducted. उस teacher की pay deduct की जा सकती है, काटी जा सकती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। शो काज नोटिस फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी इशू टू द टीचर, हाँ, शो काज नोटिस प्रिंसिपल जारी कर सकता है। कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट द टीचर टू द हायर अथॉरिटी, उस टीचर की कंप्लेंट हायर अथॉरिटी को, डीओ को, सीईओ को, और जो डीपीआई है उसको की जा सकती है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट हमने बताना था, इसका जो राइट आंसर है 3 और 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the term family for the purpose of the central service medical attendance rule 1944 include, जो एम ए रूल है 1944 के, उसमें क्या है, अभी हमने जो मेडिकल रिइंबर्समेंट लेना है उसमें जो फैमिली है वो, उसमें कौन कौन आता है,
जिसकी हम मेडिकल रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। डिपेंडेंट पेरेंट्स, हाँ जी ले सकते हैं, माता पिता जो आप पर निर्भर करते हैं। सन बियॉन्ड 25 ईयर ऑफ एज, आपका जो एक बेटा है जिसकी एज 25 पार कर चुकी है, उसकी हम मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं ले सकते। डिपेंडेंट विडो डॉटर, आपकी कोई भी लड़की है जो विधवा है और आप पर निर्भर करती है, ठीक है, डॉटर है, उसकी भी हम मेडिकल रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। मैरिड डॉटर की हम नहीं ले सकते। इसका जो राइट आंसर है 1 और 3। सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स, सेक्सुअल हरासमेंट में इनमें से क्या शामिल है? फिजिकल कॉन्टैक्ट बिल्कुल शामिल है, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर ये भी शामिल है, मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स ये भी शामिल है, शोइंग प्रोनोग्राफी ये भी शामिल है, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ असेक्सुअल नेचर ये भी शामिल है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, सभी शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट किसानों ने। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन इंक्लूड्स, नहीं है इसमें, वो बताना है हमने। फिजिकल कॉन्टैक्ट, जे फिजिकल कॉन्टैक्ट जे भी है, गोइंग आउट टू सी ए हम ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट हो चुका है। लीव ट्रैवल कंसेशन क्लेम, नो एडवांस हैज बीन ड्रॉन स्टेटमेंट फॉरफिट इफ द क्लेम इज नॉट सबमिटेड विद इन, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। एलटीसी की बात कही गई है जिसमें हमने एडवांस नहीं लिया है, वो बिल हमने कितने समय में सबमिट करना है, नहीं तो वो जब्त हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है 3 मंथ है, यदि हमने एडवांस लिया है तो ए आंसर बनता है इसका। द क्लेम फॉर द रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस शैल नॉर्मली बी नॉट एंटरटेन्ड इफ नॉट प्रेफर्ड विद इन द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, जब हम अपना ट्रीटमेंट कराते हैं उसके मेडिकल रिइंबर्समेंट लेनी होती है, तो ट्रीटमेंट लेने के बाद कितने समय तक हम वो जो है अपनी रिइंबर्समेंट का क्लेम कर सकते हैं, खर्चों का क्लेम कर सकते हैं, इसमें उन्होंने पूछा है कितने समय का ट्रीटमेंट के बाद। ट्रीटमेंट के बाद 1 मंथ तक, ट्रीटमेंट के बाद 1 मंथ तक जितने भी हमारे खर्चे हैं वो हम उस मेडिकल बिल में पाकर उस फाइल को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर उन्होंने पूछा था क्लेम फॉर द रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस शैल बी नॉर्मली नॉट बी एंटरटेन नॉट प्रेफर्ड विद इन द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ, इसमें उन्होंने पूछना है जो हमने ट्रीटमेंट लेने के पश्चात 6 महीने के भीतर भीतर हमने वो फाइल है वो मेडिकल क्लेम की सबमिट करानी होती है। इसका राइट आंसर है 6 मंथ। और जो बिल है, बिल में जो एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं वो डिस्चार्ज होने के बाद 1 मंथ तक के हम उसमें डाल सकते हैं। मुझे आशा है आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी का जो कल का एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा। इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।